नवरात्र की अष्टमी तिथि माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और माँ महागौरी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से जो कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है और माँ महागौरी की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ महागौरी को ममता की मूरत कहा जाता है। माँ महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की हैं। चार भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं, वहीं दो भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज भी कराया जाता है। इसी के साथ ही कई भक्त नवरात्र की अष्टमी पर ही व्रत का पारण भी करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता ने केवल वायु के साथ ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ। वो माँ कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्तों का कल्याण करती हैं, उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी का मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप माँ अन्नपूर्णा के मंदिर के रूप में विख्यात है। मान्यता है कि देवी मंगला गौरी के दर्शन मात्र से ही मंगल होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी मंगला गौरी के मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले महादेव विराजमान हैं। माना जाता है कि सूर्य देव ने यहीं बैठकर तप किया, जिसके फलस्वरूप महादेव प्रकट हुए। उनके आने के साथ ही माँ जगदम्बा मंगला गौरी के रूप में आई। इनके दर्शन से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें, विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।